यहाँ पर अगर आप लोग पास Redmi Note 7 और 7S का डिवाइस है तो यहाँ पर आप लोग के लिए MIUI 12 अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा इंडिया में सभी यूजर को, तो उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों यहाँ पर काफी सारे ऐसे डिवाइस है जिनको कल की डेट में MIUI 12 का अपडेट दिया गया है, तो उनको आप कैसे अपडेट कर सकते हो अपने डिवाइस में, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ यार पोको F1 के लिए। अगर आप लोग के पास पोको F1 का डिवाइस है तो यहाँ पर आप लोग के लिए MIUI 12 का अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो गया है। अगर आप लोगों ने अभी भी चेक नहीं किया अपने सॉफ्टवेयर अपडेट को तो यार अपडेट को जाकर चेक करो, आपको अपडेट जरूर देखने के लिए मिला होगा जिसका बिल्ड नंबर है MIUI 12.0.2.0 790 MB की, लगभग इसकी साइज आपको देखने के लिए मिल जाती है। और दोस्तों यहां पर आपको बता दूं काफी यूजर थे जिनको पोको F1 में MIUI 12 अपडेट अभी तक देखने के लिए नहीं मिला था, तो जितने भी यूजर है पोको F1 के तो जाओ फटाफट से चेक करो, अगर अपडेट आया है तो बिना किसी देरी के यार उसको अपडेट कर लो, वरना अपडेट गायब भी हो सकता है। और जैसे ही अगर अपडेट नहीं आता है तो यार आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर इसकी सारी लिंक्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब यहां पर बात कर लेते हैं Redmi Y2 के बारे में। दोस्तों यहां पर Redmi Y2 के लिए भी न्यू अपडेट देखने के लिए मिला है MIUI 12 का। दोस्तों यहां पर 616 MB की साइज आपको देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही दोस्तों यहां पर ग्लोबल में भी Redmi S2 के लिए यानी कि जो इंडिया में Y2 के लिए भी MIUI 12 अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो गया, तो आप लोग चेक करो अगर आप लोग Redmi Y2 या फिर S2 का डिवाइस है तो यहां पर आपको ये अपडेट देखने के लिए मिला होगा। यहां पर बात करता हूं Redmi Note 7 और 7S के लिए। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि Redmi Note 7 और 7S के लिए MIUI 12 का अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो गया, मगर ये अपडेट है फिलहाल ग्लोबल के लिए। और दोस्तों यहां पर पूरी तरीके से प्रॉपरली ग्लोबल में रिलीज नहीं हुआ है, ये अभी फिलहाल के लिए यूरोप कंट्री के लिए रिलीज किया गया है। और दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं इसकी साइज भी आपको लगभग 818 MB की देखने के लिए मिलती है, बिल्ड नंबर MIUI 12.0.2.0 का अपडेट देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों ये जो अपडेट है अभी फिलहाल के लिए यूरोप कंट्री के लिए रिलीज हुआ है और धीमे धीमे करके सारे ही कंट्री के लिए रिलीज कर दिया जाएगा। अभी यहाँ पर दोस्तों ये ग्लोबल में तो अपडेट आ ही जाएगा, 2-4 दिन में कभी भी एनी टाइम में अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अपडेट हमारे इंडिया में सभी यूजर को कब तक देखने के लिए मिलेगा। यहां पर मैं आपको बता दूं Redmi Note 7 और 7S के लिए MIUI 12 का स्टेबल अपडेट आपको इंडिया में भी बहुत जल्द देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों यहां पर आप लोगों को मैं एक ही चीज बोलूंगा, अक्टूबर एंड तक तो आप वेट करिए ही करिए, क्योंकि दोस्तों इस दौरान आपको MIUI 12 का स्टेबल अपडेट किसी भी यूजर को कभी भी देखने के लिए मिल सकता है। तो Redmi Note 7 और 7S के अगर आप लोग यूजर हो तो आप लोग दिन में एक बार अपने सॉफ्टवेयर अपडेटर को जरूर चेक करते रहा करो, कभी भी आपको ये अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। एनी टाइम अपडेट आ सकता है, आज कल परसों एंड ऑफ अक्टूबर तक एनी टाइम ये अपडेट आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है। और जैसी कोई भी अपडेट आएगी, डिटेल्स निकल के आएगी, तो उसकी न्यूज़ मैं आपको हमेशा वीडियो के जरिए बताता रहूंगा। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, वहां पर भी सबसे पहले मैं न्यूज़ पोस्ट कर देता हूं। यहां पर कल की डेट पर भी काफी सारे डिवाइस जिनको MIUI 12 अपडेट इंडिया में भी रिलीज किया गया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो पोको C3। यहां पर अगर आप लोग पोको C3 का डिवाइस है, अगर आप लोग इंडिया में यूज करते हो इस डिवाइस को, तो यहां पर आप लोग के लिए MIUI 12.0.2.0 का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो गया। जी हां दोस्तों, लेटेस्ट बिल्ड नंबर का ये अपडेट देखने के लिए मिलता है MIUI 12 का। तो पोको C3 का डिवाइस है आप लोग के पास, सॉफ्टवेयर अपडेट पर जाओ चेक करो, अगर अपडेट आया तो अपडेट कर लो, अगर अपडेट नहीं आया तो इसकी लिंक्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर दे दी है, तो अपडेट भी कर सकते हो आप डाउनलोड करके। दोस्तों यहां पर Redmi Note 8 Pro के लिए भी इंडोनेशिया के लिए MIUI 12.0.2.0 का अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों यहां पर Redmi 7A के लिए भी चाइना में MIUI 11 बेस एक न्यू अपडेट देखने के लिए मिला जिसका बिल्ड नंबर है MIUI 11.0.2.0 का अपडेट है, और ये Redmi 7A के लिए जो कि अभी फिलहाल के लिए चाइना में रिलीज किया गया है। तो दोस्तों यहां पर ये सारी न्यूज़ थी, आपको मैंने बता दी कौन से डिवाइस के लिए MIUI 12 अपडेट देखने के लिए मिला है, आप लोग कैसे इसको अपडेट कर सकते हो। दोस्तों यहां पर उम्मीद करता हूं ये छोटी सी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। यहां पर आज की वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, चैनल पर भी नए हो तो यार सब्सक्राइब भी कर लेना, जैसे ही कोई भी नई अपडेट आएगी, डिटेल निकल के आएगी, तो मैं आपको सबसे पहले चैनल पर बताते रहूंगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना, फ्री में होता है, कोई भी पैसा नहीं लगता है, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों यहां पर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।